अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आप भी इस तरह की वीडियो अपनी कैसे बना सकते हो अपने इंस्टीट्यूट ऐप के ज़रिए, तो चलते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको चाहिए इंस्टीट्यूट ऐप, तो सिंपल आपने इंस्टीट्यूट ऐप को ओपन कर लेना है। वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से आपने कोई भी फ़ोटो या वीडियोज़ ले लेनी है। तो सिंपल हमने एक वीडियो ले ली है या फ़ोटो ले लो, आप कोई भी ले सकते हैं फ़ोटो या वीडियो। वीडियो लेने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ ऑडियो के ऑप्शन पे आना है, जहाँ एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आके आपने जिस म्यूज़िक के ऊपर बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपने उसका म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक लेने के बाद सिंपल आपने ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसकी ड्यूरेशन जितनी आपके स्टेटस रखना चाहते हैं उसकी ड्यूरेशन के साथ मिला देना है। मिलाने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने लिरिक्स ऐड करने हैं। आपने कैसे लिरिक्स ऐड करने हैं, तो सिंपल आपने यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके सिंपल उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने ये ऐसे अपने उर्दू कीबोर्ड के अंदर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आकर जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप इंस्टीट्यूट के अंदर फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको एंडिंग पे एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख कर अपने इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट इस तरह के ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम जहाँ से अपने अच्छे सा कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेते हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल जहाँ से हम अच्छा सा एक फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेते हैं, यह फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने यहाँ आना है लाइन के ऑप्शन पे, आपने इसको सेंटर में कर देना है और फिंगर की मदद से वो आपने ऊपर इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। ऐसे एडजस्टमेंट करने के बाद कलर के ऑप्शन पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो हम जहाँ से ये वाले कलर रहने देंगे और एनिमेशन के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई भी अच्छी सी एनिमेशन दे लें, तो जहाँ से कोई भी दे लें आपकी मर्ज़ी है। आपको जहाँ एनिमेशन इंस्टीट्यूट के अंदर न्यू एनिमेशन मिल जाती है तो ये आप देख सकते हैं, तो आपको जहाँ से अच्छी अच्छी एनिमेशन मिल जाती है आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम जहाँ से ये वाली देंगे तो ये वाली दे लें, या यहाँ से इस तरफ को दे लें तो ये दे लें। तो जहाँ से हम ये फेड वाली दे देते हैं, आउट एनिमेशन के ऑप्शन पे आके वो भी फेड वाली दे देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको फिंगर की मदद से अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है कि आपने अपनी वीडियो को फुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने अपना म्यूज़िक को प्ले कर सुनना है, जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स ख़त्म होता है जहाँ से आपने इसको रोक लेना है। उसके बाद आपने सेपरेट करना है और एडिट के ऑप्शन पे आके इसको पहले वाले लिरिक्स को रिमूव करके आगे वाले लिरिक्स को पेस्ट कर देना है, तो जैसा कि ये देख रहे हैं। उसके बाद प्ले कर आपने इसी तरह अपने सभी लिरिक्स लिख लेने हैं, तो हम अपने सभी लिरिक्स लिख लेते हैं। तो सिंपल आपने इसको प्ले कर सुन लेना है, एडिट के ऑप्शन पे आके इसको रिमूव करके आपने अपने सभी लिरिक्स इसी तरह को लिख लेने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इस तरह से अपने म्यूज़िक की एडजस्टमेंट के साथ इसकी लिरिक्स की भी एडजस्टमेंट कर देना। तो उसके बाद सिंपल हम जहाँ से कर लेते हैं, और आपको इस तरह की फ़ोटोज़ कहाँ से मिलेगी, आप वीडियो भी इस तरह की यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको पिंटरेस्ट ऐप से इजीली मिल जाएंगी। तो सिंपल आप पिंटरेस्ट ऐप पे जाकर लिखें तो आपको ये इस तरह की मिल जाएंगी। तो सिंपल आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल ये हमने अपने सभी लिरिक्स पेस्ट कर दिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपना अगर आईडी का नेम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो रहने दें। तो सिंपल हमने इतना कर लिया। उसके बाद आपने एडिट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से अपना नाम लिख लें इंग्लिश में, कोई भी आप अपनी आईडी वगैरह या कोई भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो जहाँ से हम लिख लेते हैं, जहाँ से अपना कोई भी नाम लिख लेते हैं, टिकटॉक आईडी लिख लें या कोई भी नाम लिख लें, तो जहाँ से लिख लेते हैं नाम लिखने के बाद सिंपल आपने इसको आप फ़ोन वगैरह अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं। तो जहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़ोन अप्लाई कर लेते हैं नीचे से, तो जहाँ से ये वाला फ़ोन अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने इसकी एडजस्टमेंट जहाँ रखने चाहते हैं रख सकते हैं, ऊपर रख दें ऐसे या नीचे रख सकते हैं, तो जहाँ पे भी आप साइड पे ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसे रखने के बाद सिंपल आपने इसको अप्लाई कर देना है, ऐसे करके ओके करेंगे तो आपका लिरिक्स वाला स्टेटस बन चुका है।
उसके बाद आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आगे इसको एक्सपोर्ट कर लेने अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।